क्लास 9th साइंस की सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे लेसन नंबर फर्स्ट की हमारे आसपास के पदार्थ। जिसे हम पढ़ चुके हैं पहली क्लास में ठोस द्रव और गैस में या सॉलिड लिक्विड एंड गैस में डिफरेंस की बात कर लीजिए पढ़ने। उसकी स्टडी के बाद अपन बात करते हैं आज इसकी टॉपिक के बारे में। क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं? वो भी सब्सटेंस होते हैं, वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, स्टेज को चेंज कर सकते हैं। तो बात सिंपल से एग्जाम्पल की बात करते हैं। अपन लिक्विड में लेते हैं, इसको बर्फ को ही ले लेते हैं, इसको सॉलिड में बर्फ को ले लेते हैं। सॉलिड जो बर्फ होता है, जो आइस होता है, वो किसका बना होता है? जल का। उसको अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आते हैं तो वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बर्फ में, आइस में। और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाने के बाद वहां पर किसमें आ जाएगा? वो लिक्विड फॉर्म जल में आ जाएगा, वाटर में आ जाएगा। और थोड़ा हीट करते हैं अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग, तो वही चीज क्या होगा? वाष्पीकरण, इवेपोरेट होकर किसमें चेंज हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा। तो एक ही जो लिक्विड है वाटर, वो 3 स्टेज में रह रहा है। देख लीजिए, चेंज इसका शेप 3 स्टेज में हो रहा है। सॉलिड स्टेज उसकी थी बर्फ, लिक्विड स्टेज उसकी वाटर, गैसी स्टेज उसकी इवेपोरेट वाष्प। क्लियर? ये बात कर दी। परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? तो ये ठीक है, अवस्था में परिवर्तन होता है। क्लियर? अब अवस्था में परिवर्तन करने के लिए क्या चीज इफेक्टिव है? तो उसमें तापमान है, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा। तापमान है परिवर्तन का प्रभाव, टेम्परेचर चेंजिंग इफेक्ट। क्लियर? टेम्परेचर चेंजिंग इफेक्ट की बात करते हैं, तापमान का उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान क्या चाहिए, टेम्परेचर क्या चाहिए? जब कोई सॉलिड चीज होती है, मैंने आपको बताया सॉलिड क्या है, क्या डेफिनेशन है सॉलिड? जिसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ठोस कण होते हैं, वो आपस में क्या और मजबूती से बॉन्डेड रहे हैं, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड रहते हैं, वो चीज अपनी सॉलिड कहलाती है। क्या कहलाती है? सॉलिड कहलाती है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है टेम्परेचर, तो जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है सॉलिड के, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो इस गतिज ऊर्जा होती है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गतिज ऊर्जा में आने लगते हैं। मतलब हमें एनर्जी आने लगती है और तेजी से उनके करने लगते हैं, फास्टली मूवमेंट करने लगते हैं। जो उसका बॉन्ड बना हुआ है, स्ट्रॉन्गली बॉन्ड बना हुआ है, उसको तोड़ने लगते हैं। जब एक स्थिति ऐसी आती थी, पोजिशन ऐसी आएगी, जब वो बॉन्ड उस स्थिति को तोड़कर बाहर निकलेंगे, वो चीज क्या हो जाएगी? इसमें चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। यही चीज इसका इफेक्ट पड़ा है, तापमान का इफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा? उसमें तापमान बढ़ने से क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स में क्या होगी, गति ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, तेजी से होने लगी। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब वो उस बंध को तोड़कर बाहर निकल जाती है, तो ठोस अवस्था द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं उसी में, बात करते हैं गलना की। गलन, मेल्टिंग, मेल्ट मतलब पिघलाना किसी चीज को। ठीक है, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ इसमें चेंज हो जाए, द्रव अवस्था में चेंज। मेल्ट करना मतलब उसको लिक्विड बनाना है, किसी सॉलिड चीज को क्या बनाना है, लिक्विड बनाना है। तो उसको टेम्परेचर यूज में आ रहा है, जिसमें सॉलिड किसमें आ रहा है, लिक्विड में आ रहा है, वो तुम्हारे क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे? गलना बिंदु कहलाएगा। क्लियर? वह तापमान जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वो क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक अगर देखें तो कितना बताया गया है? 273 सेंटीग्रेड के होता है। मैं केल्विन की बात करते हैं, तापमान को किसमें चेंज करें? सेंटीग्रेड में करते हैं, उसकी यूनिट होती है केल्विन भी होती है। क्लियर? और फेरेनहाइट भी होती है। तो बात करते हैं किसकी? केल्विन की बात करते हैं। तापमान का ऐसा ही मात्रक पूछे जब भी, तो कभी भी फेरेनहाइट ना करें, सेंटीग्रेड ना करें, इसको बोलोगे केल्विन में चेंज करोगे। तापमान का ऐसा ही मात्रक पूछ सकता है, तापमान का ऐसा ही मात्रक बताइए। तापमान का क्या बोला है? स्टैंडर्ड यूनिट पूछा है, तो आप केल्विन ही करें। क्लियर? अब मैं सिंपल सी चीज बताते, केल्विन को अगर मैं किसमें चेंज करना है, सेंटीग्रेड में चेंज करना है। केल्विन को मैंने किसमें चेंज करना है? सेंटीग्रेड में चेंज करना है। 273
को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और सेंटीग्रेड को अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है, सेंटीग्रेड को मुझे किस में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है, तो 273 को अपन क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे या उसको जोड़ देंगे। क्लियर। अब बात करते हैं संलग्न की प्रसुप्त उष्मा की बात करते हैं। इससे पहले अपन इसकी बात ना करके गुप्त उष्मा की बात करते हैं। बीकर में पहले से प्रेजेंट होती है जो उष्मा, उसको बोलते हैं गुप्त। मतलब क्या होता है, छिपी हुई उष्मा। क्या हुई है, छिपी हुई उष्मा को क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा बोलता है। बीकर के अंदर पहले से प्रेजेंट जो एनर्जी होती है, उष्मा हीट होती है सॉरी, उसको अपन क्या बोलेंगे, गुप्त उष्मा बोलेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं संलग्न की प्रसुप्त उष्मा की बात करते हैं। वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर एक केजी ठोस को उसके गलन की अवस्था में, गलन मतलब द्रव की अवस्था में बदलने के लिए जितनी उसमें उस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, संलग्न की प्रसुप्त उष्मा बोलेंगे। मैंने क्या बोला, जो चीज बोली है मैंने, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस पदार्थ, 1 atmosphere प्रेशर में 1 kg ठोस सब्सटेंस का किसमें चेंज होना, लिक्विड में बदलने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाएगी, संलग्न प्रसुप्त उष्मा कहलाएगी। क्लियर हो गया इतना आपको। अब बात करते हैं क्वथनांक की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, क्वथनांक की बात करते हैं। क्वथनांक होता क्या है, वाष्पीकरण और क्वथनांक में डिफरेंस समझ लीजिए आप। वाष्पीकरण क्या है और क्वथनांक क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको एक ही चीज लिखते हैं कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव क्या हो जाए, वाष्प में बदल जाए। क्वथनांक में डेफिनेशन ये लिखते हैं और वाष्पीकरण में भी ये लिखते हैं, नहीं, माइनर डिफरेंस है। वह तापमान जिस पर कोई ठोस क्या हो जाए, कोई द्रव क्या हो जाए, उबलने लगे, द्रव क्या लिक्विड क्या करने लगे, उबलने लगे, चेंज नहीं हो, स्टार्टिंग स्टेज होती है इवेपोरेशन की, वो आपकी क्वथनांक कहलाएगी। क्लियर है, क्या बोला मैं, द्रव क्या करने लगे, उबलने लगे, वाष्प में चेंज नहीं होने लगे, वो क्या तुम्हारा क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। और वाष्पीकरण में क्या होता है, वह तापमान इसमें कोई द्रव क्या करे, वाष्प में परिवर्तन होने लगे, वाष्प में बदलने लगे, गैस में परिवर्तित होने लगे, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा। क्लियर हो गया दोनों डिफरेंस, क्वथनांक और वाष्पीकरण में माइनर डिफरेंस है, वो आप याद कर ले अच्छी तरह से, डेफिनेशन ना लिखे वाष्पीकरण वाली। क्लियर, क्वथनांक और वाष्पीकरण में माइनर डिफरेंस है, उसको आप अच्छी तरह से याद कर ले। जल का तापमान, जल का अगर तापमान देखेंगे तो क्या देखेंगे, 100 degree पे तो क्या हो जाएगा, कूलिंग में जाएगा। 273 में 100 को काउंट कर ले तो तापमान किसका निकल आएगा, 273 के। क्लियर, इतनी बात करने के पश्चात अपन बात करते हैं उत्पादन या सब्लिमेशन की बात करते हैं। उत्पादन क्या चीज है, उत्पादन या सब्लिमेशन क्या चीज है, सब्लिमेशन इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए आप, सब्लिमेशन की या उत्पादन की, वह ठोस पदार्थ जो बिना किसी द्रव में बदले किसमें चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, वो सॉलिड सब्सटेंस नॉट चेंजिंग ऑफ लिक्विड डायरेक्ट चेंज इन गैस फॉर्म, दिस कॉल्ड द सब्लिमेशन। वो पदार्थ ठोस अवस्था में प्रेजेंट हो, गर्म करने के बाद, हीट देने के बाद, उष्मा देने के बाद वो सीधा किसमें चेंज हो जाए, गैसी फॉर्म में चेंज हो जाए, उसको अपन बोलते हैं उत्पादन। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या क्या है, कपूर आप लोगों ने देखी होगी आरती में, कभी भी अपन यूज करते हैं, कपूर जलाते हैं, आपने कभी उसको लिक्विड स्टेट में होते हुए देखा है, कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो सीधे जल में बर्न होते ही क्या हो जाता है, गैसी फॉर्म में चला जाता है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं, एग्जाम्पल उत्पादन का भी एग्जाम्पल भी पूछा जाता है कि उत्पादन का एग्जाम्पल है डेस। नेथिलीन भी किसका एग्जाम्पल है, उत्पादन का एग्जाम्पल है। और आप जो कपड़ों में अगर फंगस वगैरह ना लगे उसके लिए आप उसमें ना व्हाइट सी गोलियां रखते हैं, वो भी उसका एग्जाम्पल है, इसका
पूर्ण उत्पादन का, कुछ टाइम तक आप उसको रख दोगे, छह मंथ बाद देखते हैं तो वो गोली अपने आप क्या हो जाती है, वहां से गायब हो जाती है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, उर्दुपात्र का एग्जाम्पल है। अब उसके अंदर मैं कौन कौन सी चीज दी है देखिए आप, मैं कैसे इसको ना इसको अपन किस टाइप से अपन इसको देखते हैं, किस टाइप से एक्सपेरिमेंट किया गया है। ये मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट किया जाता है, 11th 9th में एक्सपेरिमेंट करवा दिया जाता है। स्टूडेंट अगर प्रेजेंट होते हैं अपने पास तो एक्सपेरिमेंट अपन कर सकते हैं इजी तौर पर। इसमें लेना है बर्नर है और टाइप और तीन कोने वाला स्टैंड लेना है, तीन पेयर वाला स्टैंड लेना है, चीनी मिट्टी की प्लेट लेनी है और कीप लेनी है। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड का क्या लेना है, एक सॉलिड सब्सटेंस लेना है, क्लियर, और एक रूल लेनी, क्लियर हो गया। अब उसमें किया गया है स्टैंड पर क्या चीनी मिट्टी प्लेट रख दी है और कीप को उसने उल्टा रख दिया है, अपोजिट रख दिया है, ठीक है। और उसके नीचे क्या रख दिया है, अमोनियम क्लोराइड रख दिया है। नीचे हीट से क्या कर रहे हैं अपन, उसको हीट कर रहे हैं, बर्नर से क्या कर रहे हैं, उसको बर्न कर रहे हैं। जैसे ही अमोनियम क्लोराइड क्या हो रहा है, गर्म हो गया तो उस किसमें चेंज हो गया, देखो ये देखा मैंने वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड, ये वाष्प के रूप में जा रहा है। अब क्या हो गया, मैंने ऊपर कोटल लगा दी, रुई लगा दी है, जिसके कारण ये वाष्प बाहर भी निकल पा रही है, क्लियर। फिर वो क्या हो गया, यहां देखिए आप, यहां अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया, जमने लग गया, तो क्या बन गया, ठोस अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो ये स्टेज में चेंज हुआ नहीं, वाष्प में चेंज हुआ, वापस किसमें बन गया, सोलिड में बन गया। ये एग्जाम्पल किसका है, इसका डेफिनेशन है उत्पादन का, भी जो एक्सपेरिमेंट वगैरह है उत्पादन का एक्सपेरिमेंट वगैरह है, क्लियर हो गया आपको। तो इस चीज के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।